सीजीपीएससी सीजी व्यापम में बड़ी खबर, चुनावी प्रक्रिया, आचार संहिता क्या होगी, क्या माहौल है, पूरी जानकारी इस वीडियो पर। अब भर्तियां नहीं रुकने वाली, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देख के जाना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स एजुकेशन पर। इस YouTube चैनल पर बिल्कुल वैकेंसी से लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है और साथ ही जो माहौल है अभी चल रहा है आचार संहिता और इसका लेटेस्ट जानकारी, वीडियो पर लास्ट तक इसकी वीडियो नहीं करना। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर परीक्षा व्यापम से पीएससी से हो रही है तो इस पर कोई रोक नहीं। रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्य चुनाव पदाधिकारी छत्तीसगढ़। उसी प्रकार आचार संहिता की वजह से नहीं रुकेगी भर्तियाँ, पूरी जानकारी वीडियो पर। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अधिक जानकारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से नहीं रुकेगी भर्तियां, परीक्षाएं नई वैकेंसी के लिए आवेदन भी लेंगे। व्यापम से अपेक्ष बैंक के लिए 15 और 29 अक्टूबर को होगी आयोजित परीक्षा, यानी कि अपेक्ष बैंक भर्ती परीक्षा यानी सहकारिता विभाग का आपका 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को लिया जाएगा एग्जाम। उसी प्रकार आपका परीक्षाएं नए नए वैकेंसी निकली है, जैसे 7000 से अधिक पदों पर बम्पर वैकेंसी जारी की है, जैसे आरक्षक के लिए, प्रयोगशाला के लिए, बहुत सारा है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन आज से, याद रखना क्या है, कृषि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन आज से। उसी प्रकार पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक श्रेणी के लिए आवेदन बहुत जल्द। उसी प्रकार पुलिस विभाग में सिपाही, ड्राइवर और ट्रेडमैन के 6000 पद भरे जाएंगे। तो जितने भी वैकेंसी बहुत सारे निकली हुई, जिसका आवेदन हो गया है तो जल्दी से जाइए फॉर्म भर लीजिएगा, जिसका आवेदन आने वाला है उसको तैयारी करते रहिएगा। और हॉस्टल वाराणसी 300 पदों पर भर्ती वैकेंसी आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द भी मिल जाएगा, इसका ऑनलाइन आवेदन करने की फॉर्म आपको जल्दी ही मिल जाएगी नोटिफिकेशन। तो अगर आप हॉस्टल वाराणसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउट मिलेगा, सब मिलेगा। मेंबरशिप में क्लास करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, 299 रुपये मंथ है ना। अगर आप हॉस्टल वाले की सिलेबस कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिलेबस के तौर पर एगोटिंग के तौर पर हम बिल्कुल कंटिन्यू क्लास लेंगे, जिसमें हॉस्टल वाले का 50 नंबर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका OMRC चेक नहीं किया जाएगा। ये तो रहा छात्रावास अधीक्षक के बारे में। उसी प्रकार अगर आप एक न्यूज है कि अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल पर कराया जाएगा। अगर सालों से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो रिवीजन करने आ जाइएगा हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। जाइए हमारे चैनल पर, पहले लिंक को देखिए और प्लेलिस्ट का पूरी जानकारी भी मिल जाएगा। और सहकारिता विभाग की तैयारी कर रहे हैं, 15 अक्टूबर को एग्जाम है, उसका लाइव क्लास आज होने वाली है, 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे की क्लास रहेगी, मैराथन क्लास, जिसको कंप्यूटर की तैयारी करना है आ जाइएगा, रिवीजन करके चले जाइएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, अब माहौल है चुनावी प्रक्रिया का, आचार संहिता का, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर पुलिस विभाग में सिपाही, ड्राइवर और ट्रेडमैन के तकरीबन 6000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अलावा सहायक प्लाटून कमांडर, नर्सिंग हवलदार, नर्सिंग डॉग स्नॉट और पुलिस बैंड में सिपाही की भर्ती होगी, इसके लिए पिछले दिनों तक सूचना जारी की गई है और इसके अनुसार पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर चुका है, यानी कि बहुत सारे आरक्षक भर्ती के लिए पदों को विज्ञापन जारी कर चुका है। अगर सिलेबस नहीं देखा है तो व्यापम की वेबसाइट में जाइएगा, उसको आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आवेदन की तारीख भी तय कर दी गई, इसलिए फॉर्म भी जल्द मंगाए जाएंगे, यानी कि आवेदन की तारीख बहुत जल्द हो जाएगी और इसका फॉर्म भी बहुत जल्द आपको मंगाए जाएंगे, यानी कि इसका ऑनलाइन आवेदन आप लोग जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जिसका जिसका डेट जारी हो गया है आप लोग जाइए और जल्दी से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और क्वालिफिकेशन आप देख के भरिएगा फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद पावर कंपनी की, यानी कि बिजली विभाग का, जिसमें ऑपरेटर परिचालक श्रेणी के लिए, परिचालक श्रेणी 3 के लिए आवेदन बहुत जल्द। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक 3 के 785 पदों पर होगी भर्ती। अब इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला के तकनीशियन के 260 पद, यानी कि देखिए तकनीशियन के कितने पद, 260 पद,
उसी प्रकार आदिम जाति विकास विभाग के तहत छात्र अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन बहुत जल्द होगी। परीक्षा को लेकर अभी तारीख घोषित नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तारीख घोषित नहीं हुआ है, सभी का फॉर्म जल्दी से भरा रहा है और फॉर्म निकलते ही जा रहा है, बहुत सारे फॉर्म निकलने वाली है, बहुत सारा। और इसकी अभी एग्जाम का जो तिथि अभी तय नहीं हुआ है, फिलहाल अभी जितना भी वैकेंसी आ रहा है ना, सबको ध्यान में रखते हुए आप एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसका फॉर्म भरना है, किसको नहीं भरना है, आप लोग तैयारी करके रख लीजिए, अपने ऊपर है ना। मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया जाना है। इतना मेहनत से हम वीडियो बना लेकर आ रहे हैं, इतना मेहनत आप सभी को जानकारी दे रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। और व्यापम से रिलेटेड अगर CGPSC और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है। अब देखिए इसके बाद बारे में बात करते हैं कि देखिए सहकारी बैंक भर्ती परीक्षक प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका है। सहकारी विभाग यानी कि अपेक्स बैंक भर्ती का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, व्यापम की वेबसाइट पर जाइएगा और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी जानकारी कैसे लगती है एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऐसी अगर लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, बनती है सब्सक्राइब, बनती है। अब देखते हैं इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लग चुकी है, तो क्या व्यापम की परीक्षाएं होगी वो रद्द होगी या नहीं? तो देखिए परीक्षाएं नहीं होगी, यानी कि परीक्षाएं रद्द नहीं होगी, परीक्षा होगी, भर्तियां नहीं रुकने वाली। आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है, आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, ये इतनी जानकारी हो गई, ये तो बहुत ही है। अब इतनी जानकारी आप और भी जैसे वैकेंसी आता है और भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बनाएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत।